हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट कोटक नियो में तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोटक नियो में ऑप्शन में एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाऊंगा, उसमें साथ ही साथ स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा कर भी दिखाऊंगा, वो भी लाइव मार्केट में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाना सीख सकें। तो आज मैं आपको सारा प्रोसेस लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड काम की चीजें सीखने को मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहां पर हमने मोबाइल में कोटक नियो के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। कोटक नियो के एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। यहां पर आप होम इंटरफेस में देख सकते हैं ऊपर की ओर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये सारे इंडेक्स आपके पास शो हो रहा है। तो आपको जिस भी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको एफ एंड ओ में क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे की ओर व्यू ऑप्शन चैन में क्लिक कर लेना है। तो यहां पर आपको स्ट्राइक प्राइस, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है वो यहां पर शो करने लगेगा, मतलब आपका ऑप्शन चैन पूरा यहां पर शो करने लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा निफ्टी का ऑप्शन चैन यहां पर शो कर रहा है। उसके बाद अब आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है, जैसे कि मैं यहां पर 21,700 का कॉल बाय करके दिखाने वाला हूं, तो कॉल की ओर जाकर मुझे एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पर मेरे को बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहां पर अगर आप डिलीवरी में बाइक करना चाहते हैं, मतलब कि आप इसको एक्सपायरी डेट तक रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबको ओवरनाइट में बाइक कर लेना है। अगर आप आज ही बाइक करके आज ही बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर सबको इंटरडे में क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इंटरडे में क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सबको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाइक करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबको 50 के मल्टीपल में क्वांटिटी सेलेक्ट करना होगा। आप 10, 20, 70, 80 ऐसा क्वांटिटी बाइक नहीं कर सकते, आप 50, 100, 150, 200 ऐसा क्वांटिटी ही बाइक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सबको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर सबको लिमिट प्राइस फिल लेना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको लिमिट प्राइस ही चूज करना होगा। तो यहां पर हम लिमिट प्राइस को हम यहां पर मार्केट प्राइस के समथिंग समथिंग ले जाते हैं। तो यहां पर हम मार्केट प्राइस 7 रुपए चल रहे हैं, तो यहां पर लिमिट प्राइस को भी 7 रुपए लिख लिए हैं। उसके बाद आपका ऑर्डर टाइप लिमिट ही रहेगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट टाइप ब्रैकेट ऑर्डर में सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट ऑर्डर में सेलेक्ट करने के बाद अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर आपको स्टॉप लॉस स्प्रेड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट स्प्रेड। तो दोस्तों, यहां पर मैं भी टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। मैं ट्रेलिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका यहां पर स्टॉप लॉस स्प्रेड का मतलब होता है कि आप कितने पॉइंट तक नीचे बियर कर सकते हैं, मतलब कि आपको यहां पर स्टॉप लॉस का प्राइस नहीं लिखना है, आपको पॉइंट लिखना है कि आप कितना पॉइंट नीचे जाएगा तब उसको आप कट करेंगे। और वही उसी प्रकार टारगेट स्प्रेड में आपको पॉइंट लिखना है कि आप कितना पॉइंट ऊपर तक ले जाने वाले हैं। वो चीज को आपको यहां पर एग्जैक्ट प्राइस नहीं लिखना है, आपको पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको रेंज पहले से दे दिया है, यहाँ पर आप 1 पॉइंट से 6 पॉइंट तक का ही रेंज डिफाइन कर सकते हैं। और वहीं टारगेट में 1 पॉइंट से लेकर 222 पॉइंट तक का आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि भी चल रहा है लिमिट प्राइस 7 रुपये 55 पैसा, और मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 5 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, मतलब कि मैं 7 रुपये 70 पैसा माइनस 5 रुपया, तो हमारा वो पॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट निकल जाएगा 2.75, 2.50, ये सारा कुछ निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम मोटा मोटी अब यहाँ पर 3 स्प्रेड ले लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर टारगेट स्प्रेड को मैं 6 रुपये का ले लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर टारगेट स्प्रेड को 1:2 के हिसाब से 6 पॉइंट ले लेता हूँ। अब चाहे तो मोटा मोटी 10 पॉइंट भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 10 पॉइंट लिख लिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टिमेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। हमारा लॉस होगा तो होगा 150 रुपये का लॉस होगा, और हमारा प्रॉफिट होगा तो 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका एस्टिमेटेड है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको स्प्रेड सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने पॉइंट तक का लॉस बियर करने वाले हैं और आप कितने पॉइंट ऊपर तक में टारगेट बुक करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर वो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस के करीब चल रहा है, तो हम यहाँ पर स्वाइप टू बाय में क्लिक कर देंगे। स्वाइप टू बाय में क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा ऑर्डर पेंडिंग शो हो रहा है, तो उस प्राइस में आते ही हमारा ऑर्डर बाय हो जाएगा। यहाँ पर हम बैक चले जाते हैं, और बैक चले जाते हैं, बैक आने के बाद हम यहाँ पर ऑर्डर वाले पोजीशन में चले जाते हैं। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक ऑर्डर ओपन शो कर रहा है, मतलब कि अभी हमारा ऑर्डर 7 रुपये में लगा हुआ है और मार्केट प्राइस चल रहा है 7 रुपये 30 पैसा के समथिंग। तो यहाँ पर आप चाहते हैं तो मॉडिफाइड कर सकते हैं अगर आपके प्राइस में नहीं आया है तो ऐसे हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। अगर वो 7 रुपये में आता है तो हमारा बाय हो जाएगा, नहीं आता है तो यहाँ पर हम एलटीबी प्राइस के समथिंग समथिंग लगा लेंगे। तो दोस्तों, हमारा एलटीबी प्राइस 7 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है, तो हम यहाँ पास मॉडिफाइड ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पास क्लिक करके मॉडिफाई में चले जाऊंगा। मॉडिफाई में आने के बाद अब मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को मॉडिफाइड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पास 7 रुपया 40 पैसा लिख लेता हूँ। 7 रुपया 40 पैसा लिखकर स्वैप टू मॉडिफाई में क्लिक कर दूंगा।
तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पास फिर से बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद हम फिर से वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पास हमारा ऑर्डर बुक हो चुका है। यहाँ पास आप क्लोज में जाकर देख सकते हैं हमारा 21,700 का कॉल यहाँ पास कम्प्लीट लिखा हुआ है एवरेज प्राइस 7.40 रुपए में। तो हमारा 21,700 का स्ट्राइक प्राइस बाय हो चुका है। उसी के साथ साथ यहाँ पास आप ओपन ऑर्डर में जाकर देखेंगे तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है 4.40 रुपए में और वहीं आपका टारगेट लगा हुआ है 17.40 रुपए में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस का बाय होते ही हमारे स्टॉप लॉस एंड टारगेट तुरंत लग चुका है। तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट तुरंत का तुरंत लग जाएगा। अब आपको बिंदास हो जाना है, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आपके स्टॉप लॉस में आएगा तो वो कट जाएगा, आपके टारगेट में आएगा तो वो भी कट जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना लॉस एंड टारगेट क्लियर कट बचा सकते हैं, मतलब कि बुक कर सकते हैं। आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा और नहीं प्रॉफिट के चक्कर में आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पास नीचे की ओर पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास हम पोजीशन में चले जाएंगे। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमें 20 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, मतलब कि हमें 20-22 रुपए का समथिंग हमें प्रॉफिट हो रहा है। और वहीं आप देख सकते हैं कि हमारा पोजीशन 21,700 के कॉल में बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को टारगेट को मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। तब आपको मॉडिफाइड करना कैसे है, तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आपको ओपन ऑर्डर में आना है, जहां पास आपका ओपन ऑर्डर लगा हुआ है। अब आप जिस भी चीज को मॉडिफाइड करने वाले उसको कैसे करना है, जैसे कि मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने वाला हूँ। अभी हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 4.40 रुपए के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 4 रुपए तक का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो यहाँ पास हमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाइड करते टाइम आपको पॉइंट नहीं डालना है, आपको सीधा सीधा प्राइस डालना होता है। तो यहाँ पास हमने 4 रुपए डालकर स्वैप टू मॉडिफाई में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। यहाँ पास हम बैक चले जाते हैं। जो ट्रिगर प्राइस पहले 4.40 रुपए के लिए लगा था, अब वो ट्रिगर प्राइस 4 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने टारगेट को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब वो टारगेट को मॉडिफाइड कैसे करना है, उसी टारगेट में एक बार क्लिक कर लेना है, मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। 17.40 रुपए के लिए जो टारगेट लगा हुआ है उसको मैं 20 रुपए के लिए लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पास 20 रुपए के लिए लगाकर स्वैप टू मॉडिफाई में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा टारगेट ऑर्डर भी मॉडिफाइड हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा टारगेट ऑर्डर जो पहले 17 रुपए के लिए लगा हुआ था वो अब 20 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगा सकते हैं, प्लस उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने तो आपको मॉडिफाइड करके बता दिया। तो दोस्तों अब मैंने बोला था कि मैं आपको लगे हुए स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैंसिल करके दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों यहां पास आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट को कैंसिल नहीं करना है। आप जो भी ब्रैकेट ऑर्डर फिर कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाते हैं उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहां पास क्लिक करके कैंसिल करेंगे, नीचे को कैंसिल बटन में क्लिक करके कैंसिल करते हैं, तो आपका सारा का सारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा याद रखना है, कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर में लगाए हुए स्टॉप लॉस को आपको मॉडिफाइड नहीं करना है, नहीं तो आपका सारा का सारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। यहां पास अगर आप स्क्वायर अप करना चाहते हैं तो यहां पास आपको पोर्टफोलियो में जाकर सिंपली आपके पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है और सेलेक्ट स्क्वायर अप में क्लिक करके आपका पोजीशन स्क्वायर अप कर देना है, तो आपको उधर लगा हुआ स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी स्क्वायर अप हो जाएगा, मतलब कि वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सेल कर लेना है। वैसे मैंने आपको सेल करने का एक तरीका तो बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि ऑर्डर को कैंसिल करने पर आपका पोजीशन स्क्वायर अप होता है नहीं, क्योंकि मैं जब ये बोलता हूँ तो बहुत लोगों को यकीन नहीं होता है। तो आज मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस को कैंसिल करने पर कैसे आपका पोजीशन पूरा का पूरा स्क्वायर अप हो जाता है। तो यहाँ पास हम ऑर्डर में चले जाते हैं, यहाँ पास हम ओपन ऑर्डर में आ गए। ओपन ऑर्डर में आकर अब कोई भी एक ऑर्डर को आप कैंसिल करेंगे तो आपके दोनों ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपका पोजीशन भी स्क्वायर अप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास टारगेट को उठा लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पास टारगेट प्राइस में एक बार क्लिक किया, उसके बाद कैंसिल में क्लिक करके यस में क्लिक कर देता हूँ। यस में क्लिक करते ही हमारा ब्रैकेट ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब मैं यहाँ पास आपको बैक जाकर दिखाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ओपन ऑर्डर कुछ भी नहीं बचा है। हमने टारगेट को कैंसिल किया तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पास अगर आप क्लोज में जाएंगे यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा स्ट्राइक प्राइस हमने जो बैक किया था वो ऑटोमेटिक सेल हो चुका है। यहाँ पास आपको मैं फिर से पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पास पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है और हमें प्रॉफिट हो रहा है 13 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आप ब्रैकेट ऑर्डर या फिर कवर ऑर्डर में लगाए हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल करते हैं तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को बाय करके दिखाया, उसमें एक साथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाकर दिखाया, प्लस उसको मॉडिफाइड करके भी दिखा दिया है। उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर अप करके भी दिखा दिया है। अगर आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो कोई भी एक ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, आपका पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा, या तो आप चाहते हैं तो पोर्टफोलियो को आकर भी स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।